पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ऑल्टो से भी हल्की होगी मारुति की नई एस्प्रेसो। ड्रोन की मदद से पहली बार बनेगा इंडिया का डिजिटल मैप। फेसबुक ने हांगकांग पुलिस की हिंसा विरोधी व्हाट्सएप हॉटलाइन को किया निलंबित। कम कीमत में मोटोरोला का स्मार्ट टीवी लॉन्च। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ऑल्टो से भी हल्की होगी मारुति की नई एस्प्रेसो। भारत में मारुति सुजुकी की नई माइक्रो एसयूवी एस्प्रेसो का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। नई एस्प्रेसो के बारे में खबरें आ रही है कि यह कंपनी की ही छोटी कार ऑल्टो से भी वजन में हल्की होगी। ड्रोन की मदद से पहली बार बनेगा इंडिया का डिजिटल मैप। भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग डिजिटल मैपिंग के प्रोजेक्ट में 2 साल तक सर्वे ऑफ इंडिया की मदद करेगा। ये काम ड्रोन की मदद से किया जाएगा। फेसबुक ने हांगकांग पुलिस की हिंसा विरोधी व्हाट्सएप हॉटलाइन को किया निलंबित। हांगकांग पुलिस की 10 हिंसा विरोधी व्हाट्सएप हॉटलाइन को निलंबित कर दिया है, जिनका उपयोग हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कम कीमत में मोटोरोला का स्मार्ट टीवी लॉन्च। स्मार्टफोन मेकर कंपनी मोटोरोला ने भारतीय बाजार में मोटोरोला टीवी को लॉन्च कर दिया है। मोटोरोला ने स्मार्ट टीवी के बेस वेरिएंट 32 इंच की कीमत 13,999 रुपए रखी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS News के साथ। नमस्कार।